इस वीडियो में कन्वर्जन करेंगे एनिलीन का 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन में। कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है और जो एंडिंग प्रोडक्ट है उनके स्ट्रक्चर बनाइए और फिर प्रोसीड करिए। सो वी हैव टू स्टार्ट विथ एनिलीन। सो व्हाट इज एनिलीन? एनिलीन सबको पता है कि बेंजीन के माथे पे NH2 होता है। अगर आप बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो सो दिस इज एनिलीन। तो अगर हम एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर दें, एनिलीन का ब्रोमीन प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कर दें, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर दें, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो सारी ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो ऑर्थो पे लग रहा होगा वो या तो पैरा पे लग रहा होगा। पर यहाँ पे रिएक्शन ऐसी इतनी तेज होगी कि सारी ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे एक साथ ब्रोमीन लगेगा। एंड दिस इज ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ एनिलीन। ये जो एनिलीन का NH2 ग्रुप है ये काफी एक्टिवेट कर देता है रिंग को, जिसकी वजह से ब्रोमीन ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे एक साथ लगता है। ऑर्थो पोजिशन पता है ना, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाली। तो ये वाली पोजिशन और ये वाली, ये दोनों ऑर्थो होगी, और इसके सामने वाली ये वाली पोजिशन ये होती है पैरा। समझ गए ना? तो सारी ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पर एक साथ क्या आ रहा होगा? ब्रोमीन आ रहा होगा। तो हमारी रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। इसके बाद ये है हमारे पास बेंजीन की रिंग, ये है NH2, और यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा और यहाँ पे भी ब्रोमीन लगेगा। तो ये दोनों ऑर्थो पोजिशन ऑक्यूपाई हो गई और साथ में पैरा पोजिशन भी ऑक्यूपाई हो गई, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन गया। दिस इज एनिलीन एंड दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, जो कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। पर हमें अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर NH2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ऊपर फ्लोरीन चाहिए। ऊपर क्या चाहिए? फ्लोरीन। ऊपर फ्लोरीन चाहिए। देखिए आप ध्यान से क्या लिखा हुआ है, फ्लोरोबेंजीन बनाना है ना हमें, तो यहाँ पे फ्लोरीन चाहिए। तो फ्लोरीन का मतलब है कि यहाँ से नाइट्रोजन तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जब भी तुम्हें एनिलीन दिखे और तुम्हें नाइट्रोजन एलिमिनेट करना हो तो हमेशा याद रखना डाइजोटाइजेशन कर दो। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं डाइजोटाइजेशन, और डाइजोटाइजेशन करने के लिए हम रिएक्शन करते हैं HNO2, जो कि है नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड बना बनाया तो मिलता नहीं है, तो हम उसको प्रिपेयर करते हैं NaNO2 और HCl के रिएक्शन के साथ। तो अगर आप चाहो तो HNO2 लिख लेना, आप चाहो तो ये लिख लेना, दोनों सही है, दोनों में नंबर मिलेगा आपको। आप चाहो तो एक साथ दोनों भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डायजोटाइजेशन होगा और यहाँ पे बन रहा होगा डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट ब्रोमीन पे कोई असर नहीं होगा, ब्रोमीन 2,4,6 पे वैसा का वैसा लगा रहेगा। तो ये ब्रोमीन तो आपका लगा हुआ है और यहाँ पे हो चुका है डायजोटाइजेशन। N2 पे प्लस, Cl पे माइनस, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन चुका है। पर हमारा अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, यहाँ से N2 हटाना है। अगर हम इसका फर्दर रिएक्शन करें HBF4 से, HBF4 जो कि है फ्लोरोबोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ से N2 ग्रुप हट जाएगा और बल्कि Cl ग्रुप हटेगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, कुछ मत करो, प्लस माइनस एक्सचेंज कर दो। तो देखो ये एच जाएगा Cl के साथ, समझ में आया, एच गया Cl के साथ, तो क्या निकल गया HCl, और BF4- इस पे आके ऐड हो गया, BF4- आके ऐड हो गया। ये बेंजीन, यहाँ पे ब्रोमीन वैसे ही लगा हुआ है, ब्रोमीन तो वैसे ही लगा हुआ है, पर यहाँ पे भी क्या बोल रहा हूँ, N2 पे प्लस और BF4-, ये कुछ ऐसा आ चुका है। पर अभी भी N2 ग्रुप नहीं हटाएगा। ये था हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और वो है हमारा बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो ये फ्लोरोबोरेट आ चुका है। अगर हम अब लास्ट स्टेप है, अगर हम इसको अब हीट कर दें, बस हीट कर दें, तो जब आप हीट करोगे तो ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। जैसे ही हीट करोगे तो यहाँ से N2 गैस निकलेगी, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट होगा BF3 निकलेगा। क्या निकलेगा? BF3। यहाँ से N2 दिख रहा है आपको निकलते हुए, तो N2 तो निकलेगा और साथ में BF3 निकलेगा। यहाँ पे कितने F दिख रहे हैं? 4F। तो 3F तो चलेगा BF के साथ, BF3 में, और एक बचा वो एक यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगा। देखो ऐसा, ये बेंजीन रिंग, एक फ्लोरीन यहाँ पे बच चुका है, बाकी जाएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन है ही। और मैंने क्या बोला, साथ में क्या निकल रहा होगा, यहाँ से N2 भी निकलेगा और साथ में क्या निकल रहा होगा, साथ में क्या निकल रहा होगा, BF3 निकल रहा होगा। और ये आपके प्रोडक्ट बन गया। आपको बनाना क्या था? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। देखो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एंड दिस इज फ्लोरोबेंजीन। तो आपका ये था प्रोडक्ट जो कि बन चुका है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देखिएगा, हमें स्टार्ट करना था एनिलीन से, ये रहा आपके पास एनिलीन, और एंड करना था इस पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन पे। तो हमने सबसे पहले इस पे डायरेक्ट ब्रोमिनेशन किया। जब हम ब्रोमिनेशन एनिलीन का करते हैं तो सारी ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन ब्रोमीन ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हमें जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, जिसमें
टू पे फोर पे और सिक्स पे ब्रोमीन लगा था, वो ऐसा लग रहा है आधा मिल चुका है, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ से नाइट्रोजन नहीं हट रहा है। तो जब भी अमीन बने और उसमें से नाइट्रोजन हटाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाई एजोटाइजेशन, ये जो रिएक्शन हुई है दिस इज डाई एजोटाइजेशन, हमने यहाँ डाइजोटाइजेशन किया। जैसे डाइजोटाइजेशन किया तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बना, पर यहाँ पे भी अभी भी फ्लोरीन नहीं आ रहा था, तो हमने इसका रिएक्शन HBF4 जो कि है फ्लोरोबोरिक एसिड से कराया। तो यहाँ से H+ निकला, यहाँ से HCl रिमूव हो गया और BF4- जाके ऐड हो गया। अगर आपने इस सॉल्ट को, ये भी डाइजोनियम सॉल्ट ही है, अगर आपने इसको फर्दर हीट किया तो यहाँ से N2 गैस रिलीज हुई पहली चीज, दूसरी चीज BF3 रिलीज हुई, पर एक F बच गया जो कि बेंजीन से अटैच हो गया और ये आपका प्रोडक्ट बन गया।